रायगढ़ में कांग्रेस सरकार की गोठान योजना को लेकर भाजपा ने चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान चलाया है। गोठान योजना की बदहाली को लेकर गोठान के पोल खोलने भाजपा ने पूरे प्रदेश स्तर पर चलाए गए अभियान में सरकार पर 1300 करोड़ का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार गौ माता के नाम से गोठान पर बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला कर रही है। गोठान योजना के मामले को लेकर कल भाजपा ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें जिला भाजपा संगठन प्रभारी अभिषेक सिंह, सांसद गोमती साय, भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी के साथ भाजपा के सभी कार्यकर्ता और बड़े नेता मौजूद थे। प्रेस वार्ता में ओपी चौधरी ने पत्रकारों से बात की और सरकार की गोठान योजना को लेकर चर्चा भी की। चलबो गोठान खोलबो पोल, भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से, पहले इन्होंने गंगा जल के नाम पे पाप किया, अब गौ माता के नाम से जो भ्रष्टाचार किया है, बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा भ्रष्टाचार जो किया है, उसकी पोल खोलने के लिए चलबो गोठान खोलबो पोल भारतीय जनता पार्टी का अभियान के रूप में चला रही है। और हम लोग सभी गोठानों में, सभी मंडलों के गोठानों में 405 भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता जा रहे हैं और 20, 21 और 22 तारीख को गोठान के पोल खोलने का काम करें। क्या लगता है आप जाकर देखिए, देख सकते हैं गाँव में, ये बोलते हैं कि 19 लाख रुपए का गोठान बना है। किसी भी गांव के गोठान को जाकर देखिए, 19 लाख रुपए का 2-4 लाख रुपए के लायक भी नहीं है, उसमें भारी भ्रष्टाचार किया गया है। इन्होंने नियम बनाया कि 300 गाय हर गोठान में रहना चाहिए, आप जाकर देखिए एक भी गाय गोठान में आपको नहीं मिलेगी। 2 रुपए में जबरन को, 2 रुपए में गोबर को खरीद रहे हैं। अभी हम लोग एक गांव में गए थे, वहां पर ठेला में ट्रैक्टर में भर के गोबर को ले आते हैं, कंकड़ पत्थर मिला के बर्मी के नाम पे सोसाइटी के माध्यम से 10 रुपए किलो में जबरन किसानों को बेचा जाता है। 14वां वित्त, 15वां वित्त, मनरेगा, DMF जैसे पैसे, जिसे गांव का विकास होना चाहिए था, स्कूल बनने चाहिए थे, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पैसे को दबाव डाल करके, जिस पैसे को मोदी जी की केंद्र की सरकार ने ग्राम पंचायतों को सीधा दिया था, उसको ये दुरुपयोग करवा के भ्रष्टाचार करवा रहे हैं। गाँव वालों को, सरपंचों को दबाव डालकर काम करवा रहे हैं। सरपंच लोग उधारी में धंस गए, पूरे सरपंचों के साथ हमारी भी सहानुभूति है। अरे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बिचौलिए, कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के विधायक इसमें मिलकर किस तरह के काम कर रहे हैं। सरकारी पटल पर, विधानसभा पर ये जवाब आता है कि किसी जिले में 3000 किलो गोबर की चोरी हो गई, किसी जिले की बात हो तो जवाब आता है कि गोबर बह गया। तो ये भर्राशाही छत्तीसगढ़ में गोठान योजना के नाम से कांग्रेस सरकार ने जो किया है, उसकी सच्चाई को जनता के सामने लाने का ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का। कब से आप लोग जारी किया? पूरे प्रदेश में 20, 21 और 22 तारीख को अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता और कार्यकर्ता गोठानों में जाकर गोठानों की सच्चाई को जनता के सामने लाए। 4 वर्ष के शासन में कोयला घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, PSC घोटाले के बाद अब भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड बनाने जा रहे प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार द्वारा गौमाता के संरक्षण के नाम से बनाए गए गौठानों के नाम से ही 1300 करोड़ के घोटाले की भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान के जरिए खुलासे की बात कही है। गोठान खोलबो पोल के तहत 20 से 23 मई तक सभी मंडलों में 10-10 गोठानों में जाकर ग्रामीणों के साथ मिलकर एक संयुक्त पंचनामा बनाकर भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी कार्यक्रम के तहत रायगढ़ विधानसभा के पुसौर मंडल के ग्राम छिछौर, उमरिया और गौतमा के गोठान में भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुरुपाल सिंह भल्ला के नेतृत्व में जाकर वे सरकार के इस गोठान योजना में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलेंगे। आज के इस पोल खोल कार्यक्रम में जिला भाजपा उपाध्यक्ष आलोक सिंह, मंडल प्रभारी अरुण कातोरे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोपिका गुप्ता, मंडल अध्यक्ष त्रिनाथ गुप्ता, सुरेंद्र जैना, मनोरंजन प्रधान, जयमिनी गुप्ता आदि लोग और कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद रहे। जो बात है समस्या उसको हम रखेंगे, है ना? चलो लो बोलो, नाम बता दो। कुनी राम सिदार। भैया आप बता रहे थे कि यहाँ पे जो गोठान में काम किए हैं, गोठान नहीं सर, मनरेगा में जो भी काम किए हैं, तो मनरेगा में जो भी काम किए हैं
उसमें 100 दिन का जो केंद्र सरकार वाला है उसका मजदूरी भुगतान तो हो गया है, वो आसानी से हो जाता है जी। लेकिन राज्य सरकार को जो 50 दिन और का मजदूरी भुगतान राज्य सरकार को करना होता है, उसमें कोई दिक्कत है बता रहे थे, उसके बारे में कृपया बताओ। वो आज लगभग हमारा काम करना वहाँ लगभग 3 से 3.5 महीना हो चुका है। अच्छा, काम अब तक भुगतान नहीं हुआ, अब तक भुगतान नहीं हुआ। और केंद्र सरकार का 100 दिन में कोई दिक्कत हो गया, उसमें दिक्कत हो गया जी। उसके बाद अभी 10-12 दिन के पहले संतालीकरण करने गए थे, हाँ। वो आज तक भुगतान हो गया उसका। अच्छा, और मतलब केंद्र सरकार का जो 100 दिन का था उसमें दिक्कत नहीं है? नहीं है, नहीं है ना। और जो राज्य सरकार का 50 दिन का और था उसमें उसमें नहीं हुआ है, उसमें नहीं हुआ, मतलब भुगतान नहीं हुआ जी। जी, केंद्र सरकार का जो पैसा आ रहा है ये पैसा अनावश्यक दूसरी दूसरी जगह जाके खर्च हो रहा है, इसमें आपको क्या कहना? 14वां वित्त है, 15वां वित्त है, वो ग्राम पंचायत के पानी बिजली ये सब देखने के लिए आता है, अब उसको गोठान में खर्चा करा दे रहे हैं जबकि गोठान में गाय तो आई नहीं रही है, नहीं आ रहा है, तो ये उचित है कि ठीक नहीं? गलत है, गलत उपयोग किया जा रहा है इसका। हाँ ठीक है, यहाँ जो गोबर खरीदा जाता है और खाद बेचा जाता है इसके मामले में क्या बोलना है आपका? ये तो ऐसे तो मैं नहीं आता हूँ यहाँ, सब जगह हो ही रहा है, हाँ। बाकी यहाँ सुनता हूँ बस, आज तक कोई जैसे किसान को पैसा भी नहीं मिल पाया है। हाँ, अभी भी भैया शिकायत कर रहे थे पैसा नहीं मिला, मेरे पास आते हैं और बोलते हैं भैया हमको, मैं 2-4 जनों को सीओ के पास भी ले गया था। हाँ, आपको ये सब खाद जो देते हैं ये खाद जबरदस्ती एक बोरा डीएपी में 3 बोरा खाद देता है, कोई जो बर्मी वाला, हाँ ये खाद, हाँ बर्मी के नाम पे है ना, हाँ बर्मी के नाम पे, हम नाम नहीं जानते हैं, गोबर को गंगर पत्थर मिला देता है, बोल देता है बर्मी बन गया। एक बार तो साफ बताया था, नहीं होता अफिस के दर में इसे पंछी मार के देखो सर, कहा ये तो मिट्टी है, ये कंकड़ है, हाँ तो उसको टेबल में बता दिया था जी जी। तो उस समय मेरे को नाम के बोलते थे कि तुम शिकायत करते हो, बोलते थे शिकायत करेंगे ना भाई। रायगढ़ से महेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट।